बदायूं में दो मासूम बच्चों की हत्या का सच क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है और हत्या की गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई है। इसे उलझाने का काम खुद एसएसपी के बयान ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है यही मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने News18 India के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। देखिए, बीते मंगलवार को बदायूं में दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। चाकुओं से गोद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम साजिद था उसे उसी दिन एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरा आरोपी जो कि साजिद का ही भाई है जिसका नाम जावेद है उसे पुलिस ने बाद में बरेली से गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बरेली से आखिरकार जावेद की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने आरोपी साजिद जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया था उसे लेकर कुछ दावे किए और ये दावा जावेद के बयानों के आधार पर किया गया। पुलिस ने यह कहा कि साजिद के ऊपर ऊपरी हवाओं का साया था, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार था और यही वजह थी कि वो अक्सर अग्रेसिव हो जाया करता था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद खत्म हो गई। लेकिन जो मूल सवाल था जिसका जवाब परिवार भी जानना चाहता है, जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। ऐसा लगा कि मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा करके बस खानापूर्ति कर दी गई हो, लेकिन असल वजह क्या थी इस मर्डर की, दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या करने की वजह क्या थी? आपसी रंजिश वजह थी, कोई और वजह थी, वजह क्या थी जो परिवार भी जानना चाहता है, उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया। अब पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें एक दरगाह का जिक्र किया पुलिस ने और ये बताया कि जो साजिद था वो बचपन से ही उस दरगाह पर जाया करता था जिसकी बहुत मान्यता थी और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। कई सालों से उसका इलाज चल रहा था क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था और यही वजह थी कि इस बीमारी के कारण वो अक्सर अग्रेसिव हो जाया करता था। लेकिन जहाँ साजिद अपना सलून चलाया करता था उसके आसपास के लोगों से जब बात हम लोगों ने की, जब मीडिया वालों ने वहाँ बात की तो जानकारी ये मिली कि बहुत शांत स्वभाव का था और अगर वो इतना ही अग्रेसिव था तो इतने समय से वहाँ पर वो सलून कैसे चला रहा था? ग्राहकों से वो मिलता था, बातचीत करता था, वहाँ वो बहुत शांत स्वभाव का नजर आता था। दोनों भाई वहाँ पर काम किया करते थे और कभी किसी की कोई नोकझोंक नहीं हुई। और यही जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने उन दो बच्चों की हत्या कर दी? ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, दो मासूम बच्चों का आखिर कसूर क्या था कि उन्हें इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया? और यही सवाल अभी भी ये ऐसा प्रश्न बना हुआ है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। जब वो उस इलाके में बीते कई महीनों से, बीते कई सालों से दुकान चला रहा था, अपनी वो सलून का काम वो करता था, वहाँ कभी किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई नोकझोंक नहीं हुई, तो आखिर अचानक से ये गुस्सैल प्रवृत्ति की बात कहाँ से आई? जबकि परिवार वालों का भी यही कहना है कि वो शांत स्वभाव का था, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, जिसके बारे में जानकारी पुलिस नहीं दे पाई है, क्योंकि वो सलून में काम करता था और उसने उन दोनों बच्चों की जो हत्या की वो भी चाकू से की। चाकू से 23 बार वार किए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसके पास से तमंचा मिला है। साजिद ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, तमंचा बरामद हुआ और तभी उसका एनकाउंटर किया गया, यही दलील पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन जब हत्या उसने चाकू से की तो तमंचा उसके पास कहां से आया, यह भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये ऐसी अनसुलझी पहेली है जो समय के साथ और भी पेचीदा होती जा रही है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखिर मकसद क्या था। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोज में भी बताया है कि परिवार वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें पुलिस से, हमें सरकार से किसी और तरह की मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे बच्चों का कसूर क्या था, हमारा कसूर क्या था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, जबकि हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, हमारी तो अच्छी बातचीत थी क्योंकि उनका दुकान हमारे घर के ठीक सामने था। अब क्या जावेद अब पुलिस की कस्टडी में है? जावेद के साथ जब पूछताछ होगी तो क्या इन सवालों के जवाब पुलिस दे पाएगी? क्या सटीक इसका जवाब मिल पाएगा कि आखिर उन बच्चों की हत्या के पीछे मकसद क्या था? क्या इसका जवाब कभी सामने आ पाएगा? यही बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।